आज हम करेंगे व्यंजन। क्या करेंगे? व्यंजन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले वे सब्सक्राइब करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण यानी कि अक्षर, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलवाते हैं? व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। इनकी संख्या यानी कि ये 33, 33 मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 33। इसके अलावा क्या होता है? परंतु द्विगण व्यंजन ड़ ड़ को जोड़कर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो ये हैं हमारे हिंदी के व्यंजन। कितने हैं टोटल? 35। अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अभी तक हमने पढ़ा था ओनली व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनने शुरू होते हैं? दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजनों के योग से यानी कि जब उन दो व्यंजनों को मिला देते हैं ना, तो व्यंजनों को, उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श क्या बन गया? अक्षर। त प्लस र त्र। ज प्लस अ क्या बन गया? ज्ञ। तो ये हमारे इस टाइप के दो दो अक्षरों से जो बनते हैं। तो जैसे कि अब आ जाता है हमारा द्वितव व्यंजन। ये क्या है? जब एक ही व्यंजन का दो बार साथ साथ प्रयोग होता है। क्या होता है? एक ही व्यंजन का दो बार साथ साथ प्रयोग होता है, उसे द्वितव व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, तो ये क कक बन गया। क्या बन गया? कक, क्योंकि क के नीचे हलंत था इस वजह से वो आधे क में शामिल हो गया। ऐसी फ, फ के नीचे हलंत है, फ प्लस त, तो ये बन गया पत। ऐसी क प्लस ख, जिस भी अक्षर के नीचे हमारा हलंत है दूसरे अक्षर के साथ वो मिलकर हमारा आधा अक्षर बन गया, क प्लस ख कख। तो इस टाइप के और भी उदाहरण है। जैसे इनसे जो बनते हैं, क प्लस क से जैसे हमारा कक बना था पक्का, ऐसी च प्लस च हो तो चच बन जाता है कच्चा, क प्लस क फिर दोबारा से आ गया हमारा मक्की, ऐसी त प्लस त तत बन जाता है तो पत्ता, न प्लस न बन जाता है तो नन, और इससे हमारा बन सकता है अन्न। इस टाइप के मतलब आधे आधे अक्षर वाले हमारे शब्द बनने शुरू हो जाते हैं। च प्लस च चच, तो इससे सच्चा, त प्लस त फिर से आ गया है तो इससे फत्ता। इस टाइप से हम आधे आधे अक्षर वाले शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद।